एरवावी चलो चलो कहानी सुनने चले सब तैयार एक दो तीन। एक चतुर खरगोश ने अपने मित्र कछुए की मदद की। इस प्यारी सी लोक कथा में सुनिए कि कैसे दोनों ने सियार को उल्लू बनाया। कहानी का शीर्षक है सियार की हार। लेखक सौरा राइटर्स ग्रुप। चित्र बनाए हैं प्रदीप कुमार साहू। हिंदी में अनुवाद किया है अमृत मिश्रा और राजेश खर। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। मरंडा के हरे भरे जंगल में बहुत सी धाराएं थी। कुछ धूप छाव वाले तालाबों में मिल जाती थी जहां छोटे जानवर आकर प्यास बुझाते थे। कुछ बड़ी बड़ी नदियां थी जिनमें मगरमच्छ भी पाए जाते थे। एक खरगोश और कछुआ मरंडा जंगल के एक छोटे तालाब के पास रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। एक दिन दोनों बाजार जाने के लिए घर से निकले। अचानक ही एक सियार ने उनका रास्ता रोक लिया। ये कहां से आ टपका? उसका भयानक चेहरा देखकर खरगोश चिल्लाया, भागो भागो, और झट वहां से भाग निकला। कछुआ बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाया। जब तक उसने होश संभाला तब तक सियार उसे मुंह में उठा के चल पड़ा। कछुए को बस अपना सर अपने खोल में दुबका लेने का समय मिला। खरगोश ने पेड़ के पीछे से छिपकर सब देखा। उसे अपने दोस्त की मदद करनी थी। वो टहलते हुए सियार के पास पहुंचा और पूछा, नमस्ते सियार मामा, क्या मिला आपको? मेरा खाना, सियार ने जवाब दिया। अच्छा तो ये बात है, खरगोश बोला, मैंने तो इसे बहुत पहले देख लिया था पर ये मेरे लिए बहुत कड़ा था। मुझे लगता है आपको इसे कुछ देर पानी में छोड़ देना चाहिए। जब ये नरम हो जाएगा तब आप इसे खा पाएंगे। सियार को खरगोश का सुझाव ठीक लगा क्योंकि कछुए का खोल तो सच में बहुत कड़ा था। उसने कछुए को नदी में टपका दिया। कछुआ झट तैर कर सुरक्षित जगह पहुंच गया। खरगोश भी भाग गया। चतुर खरगोश ने अपने दोस्त को सियार से बचा लिया। कैसी लगी कहानी बच्चों? छोटी सी सीधी साधी सी कहानी थी ना। अब थोड़ा सा ये कहानी और ये किताब के बारे में। प्रथम बुक्स और इग्नस ईआरजी ने बर्नार्ड फॉन लियर फाउंडेशन के सहयोग से ओडिशा की चार भाषाओं मुंडा, कुई, सौरा और जुआंग में बच्चों के लिए पहली 10 पुस्तकों को तैयार किया है। कहानियों का लेखन और उसका चित्रांकन इन्हीं भाषाओं के लेखकों और चित्रकारों ने कार्यशालाओं की एक श्रृंखला में किया, जिसे हम वर्कशॉप कहते हैं। इन पुस्तकों की श्रृंखला को इन्होंने नाम दिया है आदि कहानी। मुख्य धारा में पर्याप्त स्थान ना मिलने वाली संस्कृतियों को एक आवाज देने का ये एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। ओडिशा की ये जो सौरा भाषा है ये ओडिशा के गंजाम, गजपति और रायगढ़ जिलों में 3 लाख से अधिक लोगों की भाषा है और सौरा भित्ति चित्रों ने देश भर के कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। अगर आप ऐसी ही और बहुत सारी लोक कथा सुनना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा www.booksthatspeak.com पर। धन्यवाद। एरवावी, एरवावी।